दोस्तों ये साल ऋतिक रोशन के लिए प्रशंसा का विषय रहा है, चाहे वो उनकी फिल्मों के बारे में हो या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर के लिए उनका अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसने ऑडियंस से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। वही दोस्तों सुपर 30 और वॉर के जरिए ऋतिक रोशन ने साल 2019 अपने नाम कर लिया। दोस्तों ऋतिक के प्रशंसकों की कोई सीमा नहीं है, इंडस्ट्री से लेकर आम जनता तक हर कोई ऋतिक का दीवाना बना हुआ है और ये बहुत स्पष्ट है। वही दोस्तों अब ऋतिक के प्रशंसकों की लिस्ट में एक और हसीना का नाम जुड़ चुका है और वो है रानी मुखर्जी। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी ऋतिक रोशन की डाई हार्ड फैन है और अगर आपको याद हो तो फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे में हमें ऋतिक रोशन और रानी मुखर्जी की जोड़ी एक साथ नजर आई थी। वही दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रानी मुखर्जी ऋतिक के तारीफों के पुल बांधती नजर आई। दरअसल दोस्तों यहां पर रानी मुखर्जी फैंस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रही थी और जब रानी से पूछा गया व्हेन ऋतिक रोशन दिस ईयर एंटर दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, रानी योर एक्सप्रेशन वॉज कम ऑन वॉर, सो हाउ मच शी लाइक वॉर एंड व्हेन इज शी गोइंग टू वर्क विद ऋतिक रोशन अगेन। तो दोस्तों यहां रानी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ऋतिक के साथ फिर से कब काम करूंगी ये फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। वही दोस्तों वॉर पर बात करते हुए रानी ने बताया कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी वॉर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। साथ ही दोस्तों रानी ने बताया कि ऋतिक रोशन मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन की तरह हैंडसम दिखने वाला और उनका जैसे बेहतरीन डांसर इंडस्ट्री में कोई नहीं है। इतना ही नहीं, जब मैं ऋतिक को बड़े पर्दे पर देखती हूँ तो वो मेरे लिए फैन मोमेंट होता है बिकॉज ऋतिक इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और दोस्तों रानी ने आगे कहा कि ऋतिक रोशन के साथ एक बार फिर काम करना काफी ज्यादा शानदार होगा। यानी दोस्तों साफ है कि रानी मुखर्जी भी ऋतिक रोशन की दीवानी है और रानी के हिसाब से ऋतिक को लुक्स और डांस के मामले में इंडस्ट्री का कोई भी स्टार टक्कर नहीं दे सकता और रानी मुखर्जी का यह बयान बिल्कुल सही है। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस आप बताइए कि आप रानी मुखर्जी के इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो चैनल को। जय हिंद।